इस एक एपिसोड में मैंने कितने कपड़े बदले, पसीने छूट गए, थक गया, गिनकर बताइएगा ताकि आप में उनके कपड़े गिनने का विवेक जाग सके। सोशल मीडिया पर लोगों ने रवीश कुमार की तुलना प्रधानमंत्री मोदी से कर दी। वजह जानकर आप भी रह जाएंगे दंग। एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार का प्राइम टाइम का एक क्लिप इस समय सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। रवीश कुमार वायरल क्लिप में क्रिसमस और नए साल के मौके पर दर्शकों को शुभकामनाएं देते नजर आ रहे हैं। क्लिप में दिख रही हेडलाइन, वो क्या चीज थी जो इस साल भारत ने खो दी, पर चर्चा होती दिख रही है। रवीश कुमार दर्शकों से कहते हैं कि हमारी राजनीति और राजनेता अपने कपड़ों पर ज्यादा ध्यान देने लगे हैं और आपकी हालत पर कम। उनके पास नया दिखाने के लिए नए इवेंट और नए कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं है। इस देश का ये साल मौत और मातम में गुजरा है, इसलिए सरकारी कार्यक्रमों के कुछ सादे होने की उम्मीद थी, लेकिन वो और भव्य से भव्यतम आलीशान होते गए। प्रधानमंत्री मोदी भी पूरे साल तरोताजा और नए नए कपड़ों के साथ नजर आए, जैसे ये आपका एक एंकर नजर आ रहा है। हमारी राजनीति और राजनेता अपने कपड़ों पर ज्यादा ध्यान देने लगे हैं, आपकी हालत पर कम। उनके पास नया दिखाने के लिए नए इवेंट और नए कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं है। रवीश कुमार का ये प्राइम टाइम इसलिए भी ज्यादा चौंकाने वाला प्रतीत हो रहा है क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के अंदाज में 30 मिनट के शो में 15 बार कपड़े बदल लिए। हालांकि प्रधान सेवक भी दिन में सिर्फ 8-10 बार ही बदलते हैं। लोग वरिष्ठ पत्रकार के इस अंदाज पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देते नजर आ रहे हैं। ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर और पत्रकार मोहम्मद जुबैर ने रवीश कुमार को टैग करते हुए लिखा कि एक फकीरी तो आप में भी है रवीश सर। एडवोकेट अमन अली लिखते हैं कि रवीश कुमार के ट्रोलिंग लेवल की बराबरी कोई नहीं कर सकता। ट्विटर यूजर अतुल माथुर रवीश कुमार के तमाम शोज के लिए उन्हें धन्यवाद देते हैं और लिखते हैं कि हर शो बहुत अंतर्दृष्टिपूर्ण था, रवीश जैसा कोई नहीं है, हमारे लिए एक सच्चा दर्पण होने के लिए धन्यवाद। ट्विटर यूजर मयंक लिखते हैं कि रवीश कुमार ही में हिम्मत है इतना तगड़ा व्यंग मारने की, नहीं तो आजकल का बिकाऊ मीडिया इसमें भी कुछ भव्य ढूंढ लेता है और फिर पेन किलर लेकर कुछ भी बोलता है। आपकी क्या राय है इस खबर को देखने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की हर अपडेट न्यूज आप तक पहुंचती रहे।